नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैंने आपको कश्मीरी सेफ्रॉन, कश्मीरी केसर लगाने का वीडियो बना के बताया था आपको, जिसमें हमने बल्ब लगाए थे। और आज मैं आपको बता रहा हूँ अमेरिकन सेफ्रॉन, अमेरिकन केसर जो होती है, जिसको अमेरिकन केसर के नाम से जाना जाता है, उसका फ्लावर जो है कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये देख रहे हैं आप, ये वाला इस तरह से इसका फ्लावर होता है। और इसके सीड भी मैं आपको दिखा देता हूँ, सॉरी ये वाले, इस तरह के इसके सीड होते हैं, जैसे हमारे लेमन के सीड होते हैं ना, नींबू के, बिल्कुल उसी तरह से सीड होते हैं इसके। और ये कुछ साइज़ में कुछ उससे बड़े होते हैं, ये इस तरह के सीड हैं। ये मैंने, ये देखिए आप, ये वाला जो पौधा है मेरा, ये अमेरिकन सेफ्रॉन का है। तो कुछ दिनों पहले ही मैंने, आई थिंक 15-20 दिन पहले मेरे एक पौधा मेरे पास था, जो 6 से 7 इंच का बड़ा हो गया था पौधा। पर यहाँ अचानक से बहुत तेज़ बारिश हो गई थी, तो इसी गमले के अंदर मैंने लगा रखा था, पर इसमें काफ़ी पानी भर गया था। तो पानी भरने की वजह से फिर उसकी जो रूट्स हैं वो गल गई थी और वो मेरा पौधा ख़राब हो गया था। तो अभी देख रहे हैं, ये एक अमेरिकन सेफ्रॉन ये उग रहा है। इसके लिए मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया, बस जो नॉर्मल मिट्टी है उसी मिट्टी के अंदर जो गाय का गोबर होता है, काउडंग, उसको मैंने थोड़ा सा मिला के इसमें लगा दिया। अभी ये पौधा चल रहा है। और इसके अलावा मैंने एक पौधा कोकोपीट के अंदर भी लगाए हैं सीड। ये देखिए, मैंने इसके अंदर 3 सीड लगाए थे, ये छोटे सपोर्ट के अंदर 3 सीड लगाए थे, जिसमें से एक ये उगाया है अभी। तो देखिए इस तरह से एक सीड इसका उगा हुआ है। और आई थिंक 2-4 दिन में जो 2 सीड और हैं वो भी जर्मिनेट हो जाएंगे अच्छे से। और ये जो अमेरिकन सेफ्रॉन का इस्तेमाल हमारे सिर्फ तिलक लगाने के लिए या पूजा पाठ के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, मेडिसिन में इसका कोई यूज़ नहीं होता। मेडिसिन के लिए या हम खाने के लिए जो केसर यूज़ करते हैं वो होती है कश्मीरी केसर। ये जो अमेरिकन केसर जो है इसे नकली केसर कहा जाता है। अभी धूप है, धूप में बैठा हूँ इसलिए एकदम क्लियर नहीं आ रहा है इसमें, क्योंकि ये मैं, कैमरा नहीं है मेरे पास, कैमरा है तो सही चार्ज नहीं किया हुआ है, तो मैं मेरे मोबाइल से शूट कर रहा हूँ उसको। तो ये अमेरिकन सेफ्रॉन, इसका यूज़ हम सिर्फ तिलक लगाने के लिए और या फिर पूजा पाठ के लिए इसका यूज़ किया जाता है। बाकी जो खाने के लिए, वैसे ज़्यादातर लोग इसी का यूज़ करते हैं खाने में भी, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। फ़ायदा जो हमें होता है वो सिर्फ जो रियल ओरिजिनल केसर होती है उसी से होता है। ये एक तरह से नकली केसर होती है और इसकी भी जो अमेरिकन केसर जो है ओरिजिनल, उसकी मार्केट में बहुत डिमांड है, तो इसलिए लोग क्या करते हैं कि इसी को कश्मीरी केसर बोल के इसी को सेल कर देते हैं। इसमें काफ़ी फ़ायदा होता है लोगों को, इसलिए इसको लगाते हैं। तो एक बात तो ये हो गई कि ये जो केसर है, खैर हमने सीड लगा दिया है इसका ऐसे ही देखने के लिए। मैंने जो कश्मीरी केसर है उसके बल्ब भी लगाए हैं, आपको कल दिखाया था मैंने वीडियो बना के, और कल ही लगाए हैं मैंने बल्ब। और जब वो जर्मिनेट हो जाएंगे और पौधा बन जाएगा तो उसके लिए भी मैं आपको एक वीडियो बना के दिखाऊंगा। जब ये मेरा ये सीड है अभी लगाया मैंने अमेरिकन केसर का, ये 7 से 8 इंच का जब हो जाएगा तब इसके लिए मैं अमेरिकन केसर के लिए भी एक वीडियो बना के दिखाऊंगा आपको। अमेरिकन केसर जो होती है बहुत सस्ती मिलती है, भारत में आप इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं या जो
बाहर सीड वगैरह रखते हैं उनके पास भी आपको मिल जाएगा इसका सीड। और अगर आपके सिटी के अंदर आपको अगर ये नहीं मिलता है तो आप इसको ऑनलाइन मंगा लीजिए, ऑनलाइन मंगा के अभी आप इसको लगा सकते हैं, है ना। और इसके लिए कोई आपको स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये है कि इसमें पानी ज़्यादा जमा ना हो। इसका जो इसको मैंने कोकोपीट के अंदर लगाया है, ये जो है ना अभी देख रहे हैं कोकोपीट, कोकोपीट होता है अपने जो नारियल जो छिलके होते हैं ना जो मंदिरों में चढ़ाते हैं नारियल, जो पानी पीने वाला नारियल होता है वो वाला नहीं, जो सूख मतलब अच्छे से पका हुआ नारियल हो जो हम मंदिर में चढ़ाते हैं, तो उसका जो पाउडर होता है उसको कहते हैं कोकोपीट। तो ये कोकोपीट है। और हमारे यहाँ क्या मेरे पास ही माता जी का मंदिर है, तो वहाँ पे तो क्या है कि रोज़ के 100-200 नारियल चढ़ाए जाते हैं, तो मैं कभी भी नारियल के जो छिलके वगैरह ख़रीदता नहीं हूँ, बस वहीं से छिलके ले आता हूँ। और मेरे जो सभी जो गमले हैं ना, जितने भी गमले में आप देख रहे हैं, जैसे ये वाला गमला देखिए इतना बड़ा गमला है ना, तो इसके अंदर मैंने यहाँ तक मतलब 70% मैंने इसमें ये नारियल के छिलके भर रखे हैं इतने सारे, और सिर्फ इतनी सी मिट्टी भरी है। और इसमें मैंने ये एक अंगूर की बेल लगा रखी है, एक ये ब्राह्मी लगा रखी है, ब्राह्मी के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा, इसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के दिखाऊंगा। इसके साथ ही मैंने इसमें ये गलका के भी लगा रखे हैं, ये तरोई की भी लगा रखा है एक बेल, और एक बेल जो है गुंजा की लगा रखी है। गुंजा जानते हैं ना आप, गुंजा इसको रत्ती भी बोलते हैं, रत्ती जो पुराने टाइम पे जो ज्वेलर्स वगैरह सोनी लोग इसको वजन करने के लिए इसको काम में लेते थे। 120 मिलीग्राम का इसका एक रत्ती होता है, छोटा सा बीज है, तो इसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के दिखाऊंगा। अभी सारा मिक्स हो जाएगा सब, तो इसलिए मैं ज़्यादा आपको इसके बारे में नहीं बता के सिर्फ हम इसी पे फोकस करेंगे। या अमेरिकन केसर है तो आप लगाइए सीड इसका, और आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो रियल केसर है उसके भी मैंने बल्ब लगाए हुए हैं, जब वो जर्मिनेट होंगे तब मैं आपको उसका एक वीडियो सेपरेट बना के दिखाऊंगा। तो ये तो अभी एक बच्चा है, मतलब अभी से ये थोड़ा सा इसको भी पैदा हुआ है अभी तो इसकी पंखुड़ियाँ भी नहीं निकली है, सिर्फ ये अंकुरण हुआ है इसका। और जो पौधा मेरा अभी उगाया है अभी एक इंच तक का, तो ये पौधा मैं आपको दिखा रहा हूँ, जब ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा उसके बाद में मैं आपको इसके लिए एक अलग से और वीडियो बना के दिखाऊंगा। अगर वैसे इसको लगाना बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, फिर भी अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, या आपको कोई कुछ भी आपका कोई क्वेश्चन हो, आपको जो पूछना हो, तो आप इसमें कमेंट कर दीजिए, मुझे जब भी टाइम मिलेगा तब मैं आपको इसका जवाब कमेंट का ज़रूर दूंगा। तो इसी के साथ आप सभी को जय हिंद जय भारत। और मैं बहुत जल्दी अच्छे जो मेडिसिनल प्लांट हैं उसके लिए वीडियो लेके आपके पास फिर से आ जाऊंगा, उपस्थित हो जाऊंगा आपके सामने। तो आप अपने जो गार्डनिंग का आपको शौक है, तो वैसे आप सभी को नॉलेज होगा गार्डनिंग का, पर फिर भी जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हम फर्स्ट टाइम ग्रो करते हैं तो उसका एक्सपीरियंस हमें नहीं होता है, जैसे कि ये सेफ्रॉन वगैरह है, तो आपकी इसमें कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको टाइम मिलते ही उसका रिप्लाई भी करूँगा। और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो इस पर अपलोड करूँ। मेडिसिनल प्लांट पर ही ज़्यादा फोकस करता हूँ मैं, पर कभी कभी फ्लावर्स के बारे में और इस तरह के भी मैं वीडियो बना लेता हूँ। तो आपकी कोई भी क्वेरी हो तो इस पर प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं इस पर ज़्यादातर जो वीडियो होंगे हमारे आयुर्वेदिक, जो हमारी जो वनस्पतियाँ हैं, हमारी जो औषधियाँ हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, इनके बारे में मैं आपको बताऊँगा कि छोटी छोटी सी जो जड़ी बूटियां हैं हमारे लिए किस तरह हमारी लाइफ को अच्छा, निरोगी और सुखमय बना सकते हैं, इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।